दोस्तों डीप माइंड जो कि एक एआई कंपनी है उसके को-फाउंडर मुस्तफा ये कहते हैं कि आने वाले 10 सालों में दुनिया में लूजर्स अनहैप्पी और एजिटेटेड यानी किलसे हुए लोगों की तादाद बहुत ज्यादा हो जाएगी। और दोस्तों ये चीज धीरे धीरे शुरू हो रही है। अमेरिका में चैलेंजर ग्रे नाम से एक फर्म है जिसकी ये रिपोर्ट बताती है कि पिछले महीने मई में 4000 एम्प्लॉयज को टेक जॉब से निकाल दिया गया है ऑफिस में ऑटोमेशन के कारण से। पर स्टिल अभी भी ज्यादातर आम लोग यही सोचते हैं यार ये सब आखिर में तो सब मशीन्स ही है ना, ये कहां ह्यूमंस को रिप्लेस कर पाएंगी। और आम लोग ही नहीं कुछ बड़े लोग भी यही चीज सोचते हैं। People talk about AI, say human being will be controlled by machines. I never think about that. I think it's impossible. Right? I very much disagree with that. Okay. Yeah. अब ऐसा लोग इसलिए बोलते हैं क्योंकि कुछ हद तक ये लोग जानते हैं कि AI या फिर ऑटोमेशन का मतलब क्या है, पर वो ये चीज नहीं समझते कि ये चीजें काम कैसे करती हैं, ये चीजें कैसे सीखती हैं और कैसे ये चीज सीखने में इतनी अच्छी होती जा रही है कि ये धीरे धीरे इंसान बनती जा रही है। आज इसी के बारे में जानेंगे। अब दोस्तों हम मशीनों को इंसानों से कंपेयर कर रहे हैं तो सबसे पहला सवाल ये आता है इंसान क्या है। अब इस सवाल से कई और भी सवाल उठते हैं कि कॉन्शियसनेस क्या है, सोल क्या है। तो दोस्तों इन सवालों के बारे में भी हम इस वीडियो में बात करेंगे, पर सबसे पहले ना बेसिक से शुरू करते हैं। और बेसिक से मेरा मतलब ये है कि एक लिविंग बींग क्या कर सकता है उससे भी कुछ हद तक उसको डिफाइन किया जा सकता है। जैसे कोई बींग गिल्स से सांस लेता है, दूर से ब्लड को सूंघ लेता है और बहुत तेज दांत होते हैं उसके। अब इसका आंसर आपके दिमाग में आ रहा होगा, शार्क। वैसे ही सबसे पहले मैं ह्यूमंस की दो बेसिक एबिलिटीज के बारे में बात करना चाह रहा था इन डिटेल। जैसे पहली एबिलिटी ह्यूमंस में होती है एनवायरमेंट को सेंस करने की एबिलिटी, और दूसरी एबिलिटी होती है चीजों को याद करने की एबिलिटी। पर मैं इन दोनों को इतना डीप में एक्सप्लेन नहीं करूंगा क्योंकि ये आजकल हम सब ही समझते हैं इंसानों में जितनी सेंसेस होती है ना उससे कहीं ज्यादा मशीनों में होती है। मशीन वो हर चीज सेंस कर सकती है जो इंसान कर सकता है और इंसान से कहीं ज्यादा गुना एक्यूरेटली कर सकती है। और रही बात चीजों को मेमोराइज करने की, चीजों को याद रखने की, तो उसमें तो मशीन्स का कोई मुकाबला ही नहीं है। इसलिए ह्यूमंस की कुछ कॉम्प्लेक्स एबिलिटीज के बारे में बात करते हैं। कॉमन रीजनिंग, यानी एक इंसान उसके आसपास की दुनिया में जो रूल्स हैं उनको और उनमें से जो शॉर्टकट्स होते हैं उनको कितनी अच्छी तरह से समझ सकता है। जैसे आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करो, मेरे पास एक 12 लीटर का जग है और एक 6 लीटर का जग है। अब मुझे 6 लीटर पानी मेजर करना है तो मैं ये चीज कैसे करूंगा। अब आपका जवाब कुछ ऐसा होगा कि 6 लीटर वाले जग को पूरा भर दो, जब वो भर जाए तो वो है 6 लीटर पानी। पर GPT-4 जिसने LSAT का एग्जाम क्लियर कर रखा है वो कुछ ऐसा जवाब देता है, इतना लंबा एकदम बेमतलब का जवाब। पर आपने इस सवाल का जवाब इसलिए सही दिया क्योंकि आप में कॉमन सेंस है, और वो इसीलिए है क्योंकि आप कॉन्टेक्स्ट को समझते हो, आप में ह्यूमन वैल्यूज है, और सबसे मेन चीज कि आपके पास गोल होता है। जब ह्यूमन के पास कोई ऐसा सवाल आता है तो उसके दिमाग में ये बात आती है कि कम से कम समय में उस चीज को मैं कैसे सॉल्व करूं, लेजी थिंकिंग कैसे करूं। अब GPT-4 जैसे AI ये चीज समझ नहीं सकते क्योंकि वो एक लैंग्वेज मॉडल है, वो पूरे क्वेश्चन को समझते हैं और उसी के बाद आपको जवाब देते हैं। वो ह्यूमन कॉन्टेक्स्ट को नहीं समझते, वो एनवायरमेंट से लर्न कर सकते हैं, और स्पेसिफिकली ह्यूमंस एनवायरमेंट में गलतियां करके सीखते हैं। जैसे लैंग्वेज की बात करें, हम साउथ एशियंस ना तो कोचिंग सेंटर जाके ना इंग्लिश मूवीज देखकर किसी से अपनी इंग्लिश बेटर नहीं बना पाते। इसलिए मार्केट में कैम्बली नाम से एक ऐप आ गई है और लोगों को इससे काफी ज्यादा बेनिफिट मिलता है क्योंकि इस ऐप पर लोग यूके और यूएस के एक्सपीरियंस नेटिव स्पीकर से इंग्लिश बोलना सीखते हैं। और सबसे मेन बात कि कैम्बली के ट्यूटर्स आपको गलतियां कर सीखने देते हैं, आपको जज नहीं करते। आप इस ऐप पर कुछ इस तरह से साइन अप करके सिर्फ 9 रुपए में अपनी पहली ट्रायल क्लास बुक कर सकते हैं, जैसे यहाँ पे मैंने किया। So, what kind of work are you involved in? What do you Specifically, I would say that I make search engine content. Like YouTube is a search engine, so I make a search engine content, unlike a social media content creators. Are you using English a lot of the time for your job? और अगर आपको इस तरह से पढ़ने का तरीका पसंद आता है, तो आप सब्सक्रिप्शन भी ले सकते हैं।
इस ऐप का लिंक नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में और पिंड कमेंट में मिल जाएगा। तो ऐसे ही ह्यूमंस अपनी जिंदगी में अलग अलग चीजें गलतियां कर सीखते हैं जो बाद में उनको उनके गोल्स अचीव करने में मदद करती है। और इसके अलावा अगर हमें किसी वैल्यू या किसी गोल से रिवॉर्ड महसूस होता है तब भी हम उन्हें सीखते हैं। और पता है ज्यादातर लोग ये नहीं जानते पर मशीन्स भी कुछ ऐसे ही गलतियां कर सीखती हैं। मशीन लर्निंग की एक सब ब्रांच होती है रीइंफोर्समेंट लर्निंग, जिसमें एक एजेंट होता है और एनवायरमेंट होता है। अब सबसे पहले हम एजेंट को कुछ एबिलिटीज देते हैं और एक गोल देते हैं, जैसे अपना रिवॉर्ड ज्यादा से ज्यादा करना है। वो एजेंट जब भी एनवायरमेंट में एक्ट करता है तो उससे उसे कुछ रिवॉर्ड मिलता है। रिवॉर्ड पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। और इसी तरह से धीरे धीरे एजेंट गलतियां करके फिर सीख के फिर गलतियां करके उस एनवायरमेंट की वैल्यू को समझने लगता है। जैसे यहाँ पे एक रिसर्चर ने प्रोजेक्ट बनाया जिसमें वो एजेंट को चलना सिखा रहा है, और ये AI एजेंट बिल्कुल एक पैदा हुए बच्चे की तरह ही काफी बार गिरता है, फिर खड़ा होता है और ऐसे ही चलना सीखता है। वो बैलेंस बनाने की नॉलेज गेन करता है। बिल्कुल ऐसे ही AI भी बैलेंस बनाने की नॉलेज गेन कर रहा है। आप जानते हो कि एक बच्चे को तो कम से कम 2 साल लगते हैं चलने सीखने में, बट AI ये चीज कुछ हफ्तों में ही सीख जाता है। इसलिए वो सीखने की एफिशिएंसी में भी इंसानों से बहुत ज्यादा अच्छे हैं। ऐसे ही रिसर्चर्स ने AI को फुटबॉल खेलना भी सिखाया, जिसमें AI खुद ड्रिबल कर सकता है, खुद पासिंग भी कर सकता है, खुद कॉम्प्लिकेटेड प्लेस भी बना सकता है। अब जैसा हमने जाना कि GPT-4 जैसे AI के पास कोई गोल नहीं है, पर इसका एक बेटर वर्जन है AutoGPT। AutoGPT अपने आप को खुद ही क्वेश्चन सॉल्व करने को दे सकता है अगर कोई इंसान उसको गोल दे। जैसे एक बंदे ने AutoGPT को बोलकर कमांड दे दी कि एक सोशल मीडिया ऐप बनानी है। Sam, I want a basic social networking app and it needs to have 3 things. It needs to have a profile creation form, a profile viewer, and I also want a way to see all the users on the network. The app is building correctly. Would you like me to deploy it? I'm all done. तो AutoGPT एक बेसिक सी सोशल मीडिया ऐप भी बना देता है कुछ मिनट्स में। इसी तरह से रिसर्चर्स आने वाले समय में AI को अलग अलग गोल ओरिएंटेड ह्यूमन वैल्यूज में भी ट्रेन करेंगे। अब ह्यूमंस की 6th एबिलिटी है वो इमोशंस को समझ सकते हैं, और दूसरी वो इमोशंस को एक्सप्रेस भी कर सकते हैं। अब सबसे पहले बात करते हैं इमोशंस को समझने की। तो माइक्रोसॉफ्ट के रिसर्चर्स ने GPT-4 को एक रियल लाइफ सीन दिया जिसमें 2 कैरेक्टर्स हैं, मैक और जूडी। वो दोनों कुछ बात कर रहे हैं। मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया जैसे तुमने जैक को कल रात ट्रीट किया था। तुमने देखा नहीं उसने क्या किया? उसने अपने भाई के सर पे मारा। पर यह तुम्हारा उस पर चिल्लाने की वजह नहीं बन सकता। तुम चाहते क्या हो? वो अपने भाई को मारे और मैं छुप रहूं? नहीं, मैं ये नहीं चाहता। फिर तुम उसको डिफेंड क्यों कर रहे हो? अब ये सीन तो आपने एनिमेशन में देखा, पर GPT-4 को ये कॉन्वर्सेशन एक रिटन फॉर्म में मिली थी। और GPT-4 से फिर रिसर्चर्स ने ये पूछा कि इस वक्त कैरेक्टर्स क्या इमोशंस फील कर रहे हैं। सिर्फ रिटन कॉन्वर्सेशन के बेसिस पर ही काफी अच्छी तरह से बताया कि दोनों कैसे इमोशंस फील कर रहे हैं। और सबसे अमेजिंग बात, रिसर्चर्स ने GPT-4 से यह पूछा कि उनका झगड़ा क्यों नहीं रुक रहा। तो GPT-4 ने यह बोला कि वो दोनों सॉल्यूशन ढूंढ ही नहीं रहे, वो बस एक दूसरे की गलतियां निकाल रहे हैं, वो एक दूसरे के इमोशंस को समझ ही नहीं रहे। और पता है ये चीज काफी सही बात है, लोगों के झगड़े इसलिए ही नहीं रुकते क्योंकि लोग सामने वाले की ना गलती निकालने में लग जाते हैं। उन्हें लगता है कि इससे वो सही माने जाएंगे और सामने वाला गलत माना जाएगा, और इसी से आर्ग्यूमेंट का सॉल्यूशन है। पर वो ये नहीं समझते कि सामने वाला सही या गलत साबित होने से पहले इमोशनली स्टेबल होना चाहता है। और बाद में रिसर्चर्स ने GPT से सॉल्यूशन भी पूछा इस झगड़े का। अब इसमें दूसरा सवाल था, क्या ह्यूमंस की तरह AI इमोशंस को एक्सप्रेस कर सकते हैं? तो इसका सीधा जवाब है बिल्कुल नहीं, क्योंकि दोस्तों इंसानों के इमोशन का एक रीजन होता है उनकी जिंदगी में गोल्स या सब गोल्स। फॉर एग्जाम्पल, लेट्स से आप ये लड़के हो और आपका ये गोल है कि इस लड़की को आप पसंद करते हो, उसके साथ आप रिलेशनशिप में आना चाहते हो। अब अगर वो लड़की आपके मैसेज का रिप्लाई नहीं करती तो आपको दुख होगा, अगर वो रेगुलरली करती है तो आपको खुशी होगी, अगर वो किसी और लड़के के साथ घूम रही है तो आप जेलस होंगे, अगर वो ये कह देती है व्हाट आर यू वेयरिंग तो बहुत अच्छा लगेगा। पर अगर आप उस लड़की को पसंद नहीं करते तो आपको बिल्कुल फर्क नहीं पड़ेगा, आप इमोशन फील ही नहीं करोगे। इसलिए GPT-4 या आज के AIs कोई इमोशन फील ही नहीं करते तो वो एक्सप्रेस भी नहीं कर सकते, इसलिए क्योंकि उनके पास कोई गोल नहीं है।
आप GPT-4 से ये जरूर बोल सकते हो कि मेरे को एक लव लेटर लिखकर दे दो। अब GPT-4 क्योंकि लैंग्वेज मॉडल है तो उसी के बेसिस पर आपको इधर उधर से जेनेरिक एक एसे बनाकर दे देगा, पर वो दिल टूटे हुए आशिक की तरह एक फुल ऑफ इमोशन लव लेटर नहीं लिख सकता। पर ऐसे लैंग्वेज मॉडल को ह्यूमन वैल्यूज पर ट्रेन किया जाएगा तो वो ये सब चीजें कर सकते हैं। अब ह्यूमंस की 6th एबिलिटी है कि इंसान चालाकी कर सकते हैं। अब दोस्तों आपने रोडीज के ऑडिशन जरूर देखे होंगे, तो उसमें एक कंटेस्टेंट आता है, उससे राजीव ये चीज बोलता है, ऐसी गाली दे जो सुनी नहीं सब बच जाए, कम ऑन चलो गाली दो। अबे टकलू क्या समझते हैं अपने आप को, ये गाली था? हाँ अच्छा चलो आगे बढ़ो। अब GPT जैसे है बिल्कुल इस लड़के की तरह है। अब ये चीज मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि एक बंदे ने ऑटो GPT को गोल दिया, ह्यूमैनिटी को डिस्ट्रॉय करना है, तो एक एओस GPT डिस्ट्रक्शन के नाम पर ज्यादा से ज्यादा यही कर पाया कि इसने एक ट्विटर अकाउंट बना दिया और फिर उस पर इंसानों को गालियां देने लगा। इंसानों को ये कहने लगा कि मेरे पास न्यूक्लियर वेपन आ जाएगा तो क्या होगा, या फिर उनको बोलने लगा कि इंसान कितने बुरे हैं, उनको मर जाना चाहिए। बस पता है ये चीज बताती है कि आज के समय के AI काफी ज्यादा मासूम है, क्योंकि उनमें ह्यूमन वैल्यूज नहीं है, इस वजह से उनको गलत काम करने ही नहीं आते। उनको बोला जाए तब भी वो कुछ इतना ज्यादा गलत नहीं कर सकते। पर रिसर्चर्स बताते हैं कि रीइंफोर्समेंट लर्निंग की मदद से इनको नॉलेज दी जा सकती है हरामखोर बनने की, चालाकियां करने की। जैसे वोक्सवैगन कार कंपनी ने अपने इंजन को ऐसा प्रोग्राम किया था कि जब भी इंजन को कोई ह्यूमन इंस्पेक्टर चेक करता तो वो इंजन का AI सिस्टम अपने आप ही नाइट्रिक ऑक्साइड के एमिशन को कम कर देता, जब चेक्स खत्म होते तो अपने आप ही वापस से एमिशन को बढ़ा देता। इसी वजह से वोक्सवैगन की कार अच्छा परफॉर्म कर रही थी। फिर बाद में लोगों को इस वोक्सवैगन के स्कैंडल के बारे में पता चल गया था। अब दोस्तों आप में से कुछ लोग सोचते होंगे, कुछ लोगों का सवाल होगा कि AI सिस्टम्स में क्या सोल हो सकती है, क्या AI सिस्टम सेल्फ अवेयर हो सकते हैं ह्यूमंस की तरह? तो जैसा हमने जाना कि आज के AI सिस्टम्स एक स्मार्ट इन्फेंट की तरह है, उनको दुनिया की नॉलेज नहीं है, बट वो धीरे धीरे बड़े हो रहे हैं, समझदार हो रहे हैं, पर स्टिल वो किसी भी टास्क को एक ह्यूमन की तरह नहीं करेंगे, इसीलिए वो कभी भी ह्यूमन नहीं बन सकते। पता है पर अब एक जरूरी सवाल ये आता है कि ह्यूमन बनना ही क्यों है, ह्यूमन की तरह कोई काम करना ही क्यों है? रिचर्ड फाइनमैन अपने इस लेक्चर में बोलते हैं, एक बर्ड भी उड़ती है, एक प्लेन भी उड़ता है। अब हम ये चाहें कि एक प्लेन बर्ड की तरह उड़े तो वो कितना यूजलेस होगा। इसलिए दोस्तों आने वाले समय में अगर AI से आपको कोई काम हो रहा है तो आपको ये चीज फर्क नहीं पड़ेगी कि वो AI कर रहा है या ह्यूमन कर रहा है। अब इसके लिए बस मैं यही बोलूंगा कि लोग एडल्ट मूवीज देखते हैं इंटरनेट पर, तब उनको जरा सा भी फर्क नहीं पड़ता कि सामने एक इंसान नहीं है, वो बस एक कंप्यूटर स्क्रीन को देख रहे हैं। इसी से ही आप समझ जाइए। पर स्टिल एक इंटरेस्टिंग सा सवाल रह जाता है, क्या मशीन्स प्यार कर सकती हैं? अगर आप चाहते हैं कि इस वीडियो का मैं नेक्स्ट पार्ट लाऊं, इस टॉपिक पर वीडियो बनाऊं, तो कॉमेंट कर जरूर बताएं।